वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम मनप्रीत कौर है। मैं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह अकैडमी टिडवाल की विद्यार्थन हाँ। मेरी अज की साखी का विशा है सेवा। जिमें कि गुरबाणी विच भी फुरमान है कि बिन सेवा त्रिग हथ पैर। इतिहास विच भी आता है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पौंटा साहिब विखे विराजे हुए सन। सिख संगत गुरु जी पासों गुरबाणी की कथा सुन रही सन। गुरु जी नूं प्यास लगी तो गुरु जी ने जल छकन की इच्छा प्रकट की। बड़ी फुर्ती नाल एक नौजवान उठाया और जल का भरिया हुआ छन्ना गुरु जी अगे पेश किया। उस नौजवान के कोमल हत्थां वल वेख के गुरु जी ने फुरमान किया कि तू अपने हथी कोई काम नहीं करता। तो उस नौजवान ने उत्तर दिता कि सच्चे पातशाह मेरे पिता जी बहुत अमीर हैं, साढ़े पास बहुत नौकर हैं जो करता सारा काम कर लेंदे हैं, इस करके आप जी की कृपा नाल मैं वेहला ही रहिंदा हाँ। तो यह गल सुनदिया गुरु जी ने उस नौजवान के हथों जल छकन तो साफ इनकार कर दिता। गुरु जी ने कहा कि पुत्र, सिख का पहला अते जरूरी असूल है हत्थी किरत करनी अते प्रभु अकाल पुरख का स्वास स्वास सिमरन करना। जेकर कोई मनुख हत्थी किरत नहीं करता तो वह अधूरा है। जेकर कोई अपने चेलियां जां नौकरां दी कमाई ते पालदा है तो वह सिख नहीं अखवा सकता। वह नौजवान गुरु जी की गल नूं बड़े ध्यान नाल सुन रहा सी। गुरु जी ने कहा कि सिख ने दुखियां ते निआसरियां की सेवा भी अपने हत्थी ही करनी है। जिस तरह एक सिपाही अखाड़े विचों जान तो पहला उस दी सिखलाई लेंदा है अते जंग दे मैदान विच अपनी सिखी हुई शस्त्र विद्या दे जौहर दिखाउंदा है, इस तरह सिख ने सेवा करन दी सिखलाई वजों गुरद्वारा साहिब सेवा करनी अते अपने माता पिता ते अपने तो वड्डियां दा सत्कार करना अते समाज विच विचरदे दुखियां ते न्यासरियां दी सेवा भी अपने हत्थी ही करनी है। फिर उस नौजवान ने गुरु जी नाल प्रण किया कि वह अगे तो अपने हत्थी ही काम करया करेगा। तो गुरु जी उस उपर बहुत खुश होए। इस साखी तो सानू यह सिक्ख्या मिलती है कि सानू अपने हत्थी ही काम करना चाहिए है, ता ही गुरु जी साढ़े तो खुश होणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।